अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, जब भी आप ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं और वो प्लांट मर जाता है, बाद में हम वो नर्सरी वाले को दोष लगाते हैं कि उसी के कारण हमारा प्लांट मर चुका है, हमारा इतना ज़्यादा पैसा है वो बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, कभी भी नर्सरी वाले को गलती नहीं रहता। आप कभी भी किसी समय में भी जाएंगे आप प्लांट ले लें तो नर्सरी वाला आपको रोकेगा नहीं कि मत लीजिए प्लांट, क्योंकि भाई किसी को भी बिजनेस अपना बिजनेस करना, अपना पैसा कमाना है, वो ग्राहक को क्यों रोकेगा से प्लांट लीजिए या ना लीजिए। आप ध्यान तो आपको ही देना है। और ज़्यादातौर पर देखा जाता है, जब भी हम ऑनलाइन प्लांट मंगाते तो उसमें से आधा प्लांट जो रहता है वो मर ही जाता है। इसका जो मेन कारण रहता है आपका, जब भी आप प्लांट मंगाइए तो गर्मी में बिल्कुल भी प्लांट ना मंगाएं। ये चीज़ याद रखिए, अगर आपको ऑनलाइन प्लांट मंगाना है तो ज़्यादा अगर आपके पास गर्मी हो तो प्लांट ना मंगाए तो काफ़ी बेटर है। अगर आप मंगाते तो 100% चांस है कि आपका प्लांट मरेगा ही मरेगा, आपका प्लांट बचने का कोई भी चांस नहीं रहता है। नर्सरी वाले को बोलेंगे तो वो तो आपका प्लांट भेज ही देगा। जब आप प्लांट लेके आते हैं तो आपका प्लांट तो एकदम स्वस्थ रहता है, हरा भरा भी रहता है। आप तो सोचते मेरा को तो प्लांट एकदम हरा भरा भेजे, मेरा प्लांट मरेगा नहीं। पर धीमे धीमे करके एक महीना डेढ़ महीना में प्लांट अच्छी तरह से मर जाता है, सूख जाता है। फिर आप उसमें एक तरह तरह का चीज़ भी अपनाएंगे मगर आपका प्लांट बचेगा नहीं। तो देखिए, जब भी आपको प्लांट मंगाना है तो आप बारिश से लेके जनवरी फरवरी तक मंगा सकते हैं, इसके बाद आपको प्लांट नहीं मंगाना चाहिए था। आधा मार्च तक आप मंगा सकते हैं, पर इसके बाद आपको प्लांट बिल्कुल भी नहीं मंगाना चाहिए था, क्योंकि इतना तेज़ गर्मी रहता है इसमें प्लांट आपको मरने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो मरने का चांस क्यों रहता है, देखिए मैं आपको आप रीज़न बतलाता हूँ। आप जब भी ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं वो प्लांट आपको शिफ्टिंग से लेके आपका घर तक पहुँचने तक कम से कम 8 दिन का समय लगता है। हम जब भी वहाँ से प्लांट मंगाते तो उन्होंने अच्छी तरह से पैक भी करके देता है, मिट्टी में पानी भी भर देता है ताकि इसमें नमी भी पहुँचा रहे। पर जब हम वहाँ से प्लांट यहाँ तक आते तो देखिए, जब हर राज्य का क्लाइमेट अलग अलग रहता है, हवा पानी हर चीज़ अलग अलग रहता है, तो वहाँ से यहाँ आने में 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ता में जब भी आप प्लांट लेके आते तो उसको अच्छी तरह से नहला भी देते हैं, फिर हम देखेंगे तो 2-4 दिन के बाद उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं। फिर वो प्लांट धीरे धीरे हरा भरा ही रहता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। तो इसका जो मेन कारण रहता है वो ये कारण रहता है कि जब आप प्लांट में लेके आते वो प्लांट काफ़ी ज़्यादा थका रहता है, इतना थका रहता है उसको इतना ज़्यादा, एक तो जब भी आप प्लांट लेके आते उसके बाद इतना ज़्यादा उसको धूप मिलता है ना कि वो प्लांट बिल्कुल तरह से सर्वाइव करने का चांस में ही नहीं रहता है। फिर वो प्लांट को आप कितना भी छांव के जगह पे रखेंगे, भले ही आप छांव जगह पे रख लिए मगर जो हवा है वो तो आपका गर्म हवा ही निकलेगा, ह्यूमिडिटी है उसके कारण प्लांट मरता है। तो एक तो प्लांट थका रहता है, उसके बाद भी अगर हम प्लांट उसमें रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट हरा भरा हो के भी वो प्लांट आपको ग्रोथ लेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट काफ़ी पहले से स्ट्रेस में रहता है और हरा भरा उसका पत्ता लेने से कुछ नहीं होता, प्लांट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और 8 दिन में आया एकदम थकान में रहता है। आप उसमें रोज़ वाटरिंग भी करेंगे, रोज़ उसको नहलाएंगे भी, पर फिर भी वो प्लांट से मरेगा नहीं। और एक तो इतना धूप के कारण रहता है, जो प्लांट धीमे धीमे क्या होता है सूख जाता है और मर जाता है। फिर हम जाके नर्सरी वाले को दोष देते कि ये प्लांट जो हम मंगाए हैं ये प्लांट जो मर चुका है, और नर्सरी वाला आपको गारंटी लेगा ही नहीं। नर्सरी वाला सिर्फ गारंटी लेता है कि आपको घर तक प्लांट पहुंचता है, वो प्लांट आपको डैमेज नहीं होना चाहिए और सूखा नहीं होना चाहिए, इसका ही सिर्फ गारंटी लेता है, आपको बाकी चीज़ का गारंटी नहीं लेगा। आपका प्लांट अगर 15 दिन 10 दिन 1 महीना या 1.5 महीना बाद मरता है तो नर्सरी वाला गारंटी नहीं लेता है, मगर गलती जो रहता है वो प्लांट का ही आपको बुकिंग करने का ही रहता है। आप गलत समय पर प्लांट बुकिंग करते हैं, आपको प्लांट हरा भरा तो मिल जाता है पर वो प्लांट सर्वाइव करने का उसके पास इतना ताकत नहीं रहता कि वो प्लांट आपको सर्वाइव करेगा, इतना ज़्यादा गर्मी रहता है, अलग हवा पानी रहता है, इसके कारण रहता है प्लांट वो धीमे धीमे मरता है। आपको ऐसा लगेगा हमारा प्लांट हरा भरा है और अचानक क्यों धीमे धीमे उसका पत्ता जल रहा है, मर रहा है, तो इसका यही कारण है, उसका सर्वाइव करने के लिए इतना ताकत नहीं रहता है।
और ताकत नहीं मिलेगा तो ना तो आपका कोई खाद काम करेगा, कुछ भी वो काम ही नहीं करता है। आप कितना उस पर दवा पानी हर चीज़ का छिड़काव कर दिए, वो जब तक वो प्लांट अच्छी तरह वो प्लांट जब तक वो खाद को एडजस्ट करेगा ही नहीं, जब तक उसका प्लांट में लगेगा नहीं, ये चीज़ आप याद रखें। उसका रूट रहता है एकदम रुक जाता है, नया रूट बनता ही नहीं है, तो आपको प्लांट क्या रहता है अच्छा न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या रहता है प्लांट वो धीमे 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 करके मर जाता है। अब मर जाने के 1.5 महीना बाद आप देखेंगे तो आपको कोई नर्सरी वाला आपको गारंटी भी नहीं लेके आएगा, वो तो बोलेगा भाई हम प्लांट जब भेजे थे तो हमारा प्लांट तो एकदम हरा भरा था, वो मरा है, वो आपके कारण मरा है। तो गलती नहीं उसका भी नहीं रहता है, गलती नहीं आपका भी रहता है, वो गलती रहता है कि आप गलत समय पर आप प्लांट मंगवाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, कभी भी ज़्यादा गर्मी में आप प्लांट नहीं मंगाएं, सबसे बेस्ट रहता है अगर आप ऑनलाइन प्लांट मंगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है आपका बारिश, बारिश में ही आपका प्लांट मंगाइए। बारिश में मंगाएंगे तो आपका प्लांट सर्वाइव करने का जो बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जब भी अभी प्लांट मंगाना चाहते हैं या मंगाएं तो काफ़ी तेज़ गर्मी में बिल्कुल भी नहीं। हाँ आपके पास अगर क्लाइमेट आप देख रहे हैं कि एकदम अच्छा क्लाइमेट है, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो आप फिर आप मंगा सकते हैं, मगर हर राज्य का अलग अलग क्लाइमेट होता है, तब उस तौर पे आप प्लांट मंगा सकते हैं। मगर ज़्यादा आपके पास गर्मी है, काफ़ी तेज़ गर्मी होने के कारण आप प्लांट ना मंगाएं, आपका प्लांट कितना भी हरा भरा आएगा फिर भी वो प्लांट 100% आपका मरने का गारंटी रहता है। ये चीज़ का अगर आप ध्यान रख के अगर आप प्लांट मंगाएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा ही अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।